welcome to my channel. So, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक चीज का रिव्यू करने वाला हूँ. वैसे आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा एंड वो जो ऊपर लिखा आता है ना वीडियो जिससे आती है समझ जाओ क्या होता है उससे आपको पता चल गया होगा. तो ऐसे मैंने अभी अभी इस साइकिल को खरीदा है तो इसका मैं आपको अच्छे से मतलब बताऊंगा पूरा रिव्यू साइकिल में क्या है. मैंने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज क्या लगाई है. तो चलो मैं आपको पहले साइकिल के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ. तो फ्रेंड्स ये जो अभी आपने साइकिल देखी वो मेरी थी. मैंने अभी अभी ली है. वैसे ये साइकिल अच्छी है तो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ. एंड वो जो आपको अभी मैंने बोर्ड की भी दिखाई थी ना जो अभी बोर्ड वैसे हम लोग ने केक्स वगैरह बनाना चालू करा है तो उसकी भी आपको इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ केक्स लेना ट्राई करना अगर आप रायपुर में हो गए. सो प्लीज़ ट्राई करो. सो फ्रेंड्स चालू करते हैं हैंडल बार से और सॉरी फॉर द नॉइस जो आ रही है क्योंकि ये मोटर ऑन हुआ है पानी के लिए. ठीक है तो हैंडल से चालू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हैंडल में कोई एक्सेसरीज नहीं लगवाई है. तो हैंडल में इधर से मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ. सबसे पहले देखो तो इधर हैंडल आपको बहुत अच्छा लगता है. मीन्स वाइड है तो ये इसमें टर्निंग बहुत अच्छी होती है. और देखिए यहाँ से थोड़ा क्लोज देखिए ये ऐसा मतलब ऑलमोस्ट सारे स्ट्रेट होते हैं ना ये स्ट्रेट नहीं है ये इसका ऐसा कर्व्ड है. एंड फिर बढ़ते हैं तो गियर्स की आती है तो इसमें 3x2 गियर्स आते हैं. गियर शिफ्टर्स जो ब्रेक्स के साथ अलग है. एंड ऑन दी अदर साइड इधर आते हैं 1 to 8 तो इधर बीच बीच में डॉट मीन्स 2, 3, 4, 5, 7. ठीक है तो ये यहाँ से इसकी डाउन शिफ्टिंग होती है एज यू नो. और कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये ऊपर क्यों नहीं है तो ये ऊपर की शिफ्टिंग ये यहाँ नीचे से है. एंड ऐसा क्यों है बिकॉज इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक है आप देख सकते हो. तो ये इसके हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं. ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं सो इसमें ऑयल से चलता है ये. एंड ये ट्रैक्टरों के हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं. देखो ट्रैक्टरों के हाइड्रोलिक ब्रेक्स है. एंड ये ऑयल जो होता है इसका मिनरल ऑयल होता है. सो हैंडल बार में पहले से एक रिफ्लेक्टर मिलता है. एंड सेम साइड और इसकी ग्रिप्स भी बड़ी कंफर्टेबल है एज अगर आप थक गए हो थोड़ा तो यहाँ आप हाथ टिका कैसे चला सकते हो. सो और ये जो साइकिल है ना वैसे ये यहाँ पर असेंबल हुई है पर मेड मतलब बाहर की है इटाली समवेयर की है. सो इसका जो ब्रेक्स है ना ये उल्टे हैं जैसे कि ये वाली नॉर्मल साइकिल में पीछे का ब्रेक होता है पर इसमें ये फ्रंट का है. अगर आप मानोगे नहीं तो मैं पुरानी साइकिल से भी इसको दिखा दूंगा. सो आगे बढ़ते हैं फ्रंट व्हील से. सो ये जो फोक है ये फोक बड़ा गुड लुकिंग है. देखो यहाँ पर स्कॉट की ब्रांडिंग है और ये डिज़ाइन ये कार्बन फोक है. एंड ये आता है 29 इंचेस का हमारा टायर. सो ये है ट्यूबलेस वे देखो कितने पतले से टायर हैं ये मेरी उंगली से भी छोटे.
और ये है कैनेडा के टायर जैसे आप देख सकते हो, और इसकी वॉल अलग है। ये वॉल का नाम मेरे को पता नहीं है पर अलग है ये। ये देखो मैं नाम भी आपको लास्ट में बता दूंगा, बंद हो जा ठीक है। सो इधर एक रिफ्लेक्टर वन रिफ्लेक्टर हम लोग को मिल जाता है, एंड यहाँ बहुत कुछ लिखा रहता है। वैसे इसमें 80 PSI भरता है, जैसे नॉर्मल साइकिल में फ्रंट में 35 एंड बैक में MTB में 40 भरता है, वैसे इसमें आगे पीछे दोनों जगह 80 रखता है। एंड इधर हम लोग को बड़ा अच्छा सा इसका रिम मिल जाता है। और इधर आते हैं हम हमारे सो मच स्पेशल ब्रेक्स में, जो है हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखो देख सकते हो आप ट्रैक्टरो के ब्रेक्स हैं, तो इसके अंदर ऑयल रहता है। एंड ये इसका रोटर है जो है कम से कम 160 mm का, और ये है फ्रंट लॉकआउट, ये इससे आप चक्का निकाल सकते हो, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और वैसे एक ध्यान रखना, अगर आपके पास भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं एंड आप चक्का निकाल के कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो फ्रंट ब्रेक मत दबाना वाना, इसके कैलिपर जो है ना जॉइंट हो जाते हैं, फिर वो खुलना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रंट में कुछ ऐसा दिखता है, ये बहुत अच्छी दिखती है वैसे साइकिल। सो हम आते हैं थोड़ा पीछे पीछे मिड में आते हैं। चलो तो मिड में ऐसा है कि यहाँ पर स्कॉट की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड ऑल द केबल्स हियर। ये मिड में आपको जो दिख रही हो हाइड्रोलिक वो है जिसके अंदर सॉइल, एंड ये है शायद से बैक गियर का, एंड ये वाला है फ्रंट गियर का ठीक है। और इधर आपको टू पोर्ट्स मिल जाते हैं फॉर योर बॉटल स्टैंड। सो इधर एक दो एंड इधर दो, मैंने दोनों अलग से लगवाए हैं, लगा हुए मिलते नहीं हैं। और इधर से एंड इसकी साइज है M जो यहाँ लिखी हुई है, और मॉडल नेम मैट्रिक्स 50। और ये बैग मैंने अलग से लगवाया जो बड़ा यूज़फुल है, यहाँ बीच में आपको मोबाइल आ जाता है। एंड यहाँ पर दो चेन है स्टोरेज के लिए। सो फ्रेंड्स हम ये साइड आ गए, सो यहाँ पर हम लोग को शिमानो दिख जाता है, ये पूरा रोटर वोटर हर चीज़ शिमानो का है। यहाँ देख सकते हो डुअल, ये डुअल SIS इंडेक्स लिखा है, एंड ये है 3-speed गियर, एंड फ्रंट है टर्निंग का। वैसे इसकी शिफ्टिंग अच्छी है, नॉर्मल की तरह नहीं है। एंड बैक में है तो बैक हम लोग को यहाँ 8 मिल जाता है, डिलेरर है शिमानो का, और इसके गियर है एल्टस शिमानो के। तो वैसे इसकी शिफ्टिंग भी बहुत अच्छी है, एंड एज वेल एज बैक में 2 रिफ्लेक्टर्स है, एंड हियर अगेन हाइड्रोलिक है, एंड इधर भी क्विक रिलीज है, और ये स्टैंड पहले से लगा हुआ मिला था। सो साइकिल में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी पूरी साइकिल का रिव्यू। तो अगर आपको ये साइकिल बाय करनी है और अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस साइकिल की लिंक दे दूंगा, एंड मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप बताना आपको ये साइकिल कैसी लगी, अगर आपको वर्थ है तो बताना। एंड इसकी जो आगे की वीडियोस आएगी मैं थोड़ा एक्सेसरीज वगैरह के बारे में भी बताऊँगा, एंड इसमें मैं थोड़ी सी राइड्स करूँगा तो उसके बारे में भी बताऊँगा। सो बस यही था इस साइकिल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्राइस बताना तो मैं भूल ही गया। सो वेल इसका प्राइस है 35,000। सो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी, और मैंने गलती से बोल दिया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बताना कि साइकिल अच्छी लगी नहीं, एक्चुअली कमेंट बॉक्स में बताते हैं, मेरे से गलती हो गई, आप बताना कमेंट बॉक्स से। और नीचे ना रेड कलर का SUV सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको बस अच्छे से दबा देना ओके। तो बस मेरे लिए इतना, सो मिलते हैं आपको।